मैं आज इसी वीडियो के द्वारा मैं उन लोगों को कुछ डाटा शेयर करने जा रहा हूँ जो लोग दिल्ली में धरना देने के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली आसाम का एक घटना है, आसाम का जो सिलचर में स्थित है आसाम यूनिवर्सिटी, वहाँ का कुछ साल पहले एक चांस दिया गया था जो लोग ग्रेजुएशन में थे 2012। हम लोग तो जानते हैं कि ग्रेजुएशन का जो रजिस्ट्रेशन है वह 5 साल का था, ठीक है, 5 साल का है। तो वहाँ का आसाम यूनिवर्सिटी जो लोग बैक था क्लियर नहीं किया उन लोगों को एक स्पेशल चांस दिया गया था 2012 के बाद 2014 या 15 में, ठीक है, 2014 या 15 में एक चांस, स्पेशल चांस दिया गया है जिन लोगों को ग्रेजुएशन क्लियर नहीं हुआ है वो लोग फिर से अप्लाई कर सकता है और फिर से एग्ज़ाम देके अपना सर्टिफिकेट ले सकता है बैक पेपर क्लियर करके। तो अगर आसाम यूनिवर्सिटी ऐसा एक चांस दे सकता है स्टूडेंट को, तो मेरा क्वेश्चन है कि NRS वालों क्यों हम लोगों को ये चांस नहीं दे पा रहा है? हम लोग तो फिर से दोबारा एग्ज़ाम देने का बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग तो सिर्फ NRS से बोल रहा हूँ कि हम लोगों का सर्टिफिकेट देने के लिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हम लोगों ने DLED क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। तो सिर्फ हम लोगों का जो HS का मार्कशीट है वो चेक करने के बाद हम लोगों का सर्टिफिकेट इशू करें। और बहुत सारे कैंडिडेट है जो लोग पैसा देके NRS से सर्टिफिकेट ले चुका है, और बहुत सारे कैंडिडेट है, मुझे ये भी मालूम है बहुत सारे कैंडिडेट है जो लोग NRS से NCS वाला सर्टिफिकेट पैसे के बावजूद पैसा देके क्लियर किया है, ठीक है, सर्टिफिकेट लाके आज परमानेंट पोस्ट में जब भी कर रहा है। तो क्यों, मेरा क्वेश्चन है, तो क्यों अब NRS वालों हम लोगों का जेन्युइन सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहा है? इसका कोई आंसर है क्या आप लोगों के पास? और इस गवर्नमेंट भी क्या है, हम मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है कि क्या कर रहा है इस गवर्नमेंट, लोगों का दर्द नहीं समझता है ये गवर्नमेंट, सिर्फ अपने का सोच रहा है। और आसाम में तो बहुत सारे नौकरी दे रहा है, हाय रे हाय, आसाम में जो नौकरी दे रहा है, जो 1 लाख का नौकरी, इनमें से 70-80 हज़ार कैंडिडेट जो नौकरी है वो ऑलरेडी नौकरी कर रहा है, उन लोगों का कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब अब परमानेंट कर रहा है, और लोगों को बोल रहा है कि मैं 1 लाख का जॉब रिक्रूट कर रहा हूँ। कहाँ से रिक्रूट हुआ है? अभी अभी जो कुछ दिन पहले टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट को जॉब दिया, इनमें से आप लोग चेक कीजिए, इनमें से 100% नौकरी कर रहा था कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट में, उन लोगों का नौकरी हुआ है, ओके। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आसाम यूनिवर्सिटी हम लोगों को चांस दे सकता है तो क्यों NRS वालों हम लोगों का जेन्युइन मार्कशीट नहीं दे सकता है? ओके।